एक गांव में खंडरों के पास एक कुआं था। एक व्यक्ति उस कुएं के पास से गुजर रहा होता है, तभी उसे कुएं से बहुत तेज चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। फिर वह उस कुएं में झांक कर देखता है तो उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे ये क्या चीज है, ये तो बिल्कुल सोने की तरह लग रही है। फिर वह सूखे हुए पेड़ की मदद से कुएं में उतर जाता है। अरे वाह वाह, ये तो सोने का सिक्का है, लगता है मेरे हाथ कोई खजाना लग गया है। फिर वह सूखी हुई डंडी की मदद से वहाँ खुदाई करने लगता है। अरे वाह, मेरा शक तो सही निकला, मैं तो सच में माला माल हो गया। फिर वह और सिक्कों के लालच में और गहरा गड्ढा खोद देता है। तभी उस गड्ढे में से एक हीरे की अंगूठी मिलती है। वह उस हीरे की अंगूठी को खींचने की कोशिश करता है तो अंगूठी के साथ साथ पूरा का पूरा हाथ ही बाहर निकल आता है। यह देखकर वह बहुत घबरा जाता है और उस हाथ से अंगूठी निकालकर जल्दी से पेड़ की मदद से कुएं से बाहर निकल जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर एक दिन उस कुएं के पास से गुजर रहा होता है। इतनी तेज रोशनी देखकर वह चौंक जाता है और कुएं में झांकने लगता है। तभी वह खूनी हाथ उसे कुएं के अंदर खींच लेता है। अरे कोई मुझे बचाओ, अरे बचाओ बचाओ। ए, मेरी अंगूठी मुझे वापस लौटा दे, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। कंकाल भाई, मैं तो सिर्फ इस कुएं में झांक कर देख रहा था, मुझे नहीं पता आप किस अंगूठी की बात कर रहे हो। कंकाल भाई मुझे जाने दो। झूठ मत बोल, तूने ही मेरी अंगूठी चुराई है, उसे मुझे अभी के अभी वापस कर दे। हे भगवान, अब मैं इस कंकाल को कैसी यकीन दिलाऊं कि इसकी अंगूठी मैंने नहीं चुराई। अरे कंकाल भाई मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ, चाहे तो मेरी तलाशी ले लो। अगर तूने मेरी अंगूठी नहीं चुराई तो फिर किसने चुराई है, जल्दी उसका नाम बता। हे कंकाल जी, मुझे नहीं पता कौन कंबखत आपकी अंगूठी चुरा कर भाग गया है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया, लेकिन वह हाथ किसका हो सकता है। अरे यार, कहीं वह हाथ किसी भूत प्रेत का तो नहीं था। हे भगवान, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। अजी, ये आपके हाथ में क्या है? अरे वाह, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले जी। ये अंगूठी मैं तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ। अरे मर गया रे, ये कंकाल तो मुझे जान से मार डालेगा। अरे कंकाल भाई मुझे छोड़ दो, मुझे मारने से तुम्हें तुम्हारी अंगूठी वापस थोड़े ना मिल जाएगी। भाई मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी अंगूठी ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे एक दिन का वक्त दे दो, मैं तुम्हारी अंगूठी वापस ला कर दे दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर तू एक दिन में वापस नहीं आया तो मैं तुझे सूंघता सूंघता तेरे घर पहुंच जाऊंगा, फिर वहीं तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे खा जाऊंगा। ठीक है कंकाल जी, मैं कुछ भी करके आपको आपकी अंगूठी वापस ला कर दूंगा। फिर राजू कुएं से निकलकर दुम दबाकर वहां से सीधा अपने गांव भाग जाता है। फिर सुबह होने पर सीमा पूरे गांव की औरतों को अपनी अंगूठी दिखा दिखा कर उन्हें जलाने लगती है। अजी, आपको कुछ पता भी है? गोपी ने अपनी पत्नी को इतनी कीमती अंगूठी तोहफे में दी है, और एक आप हैं जो आज तक तोहफे में एक फूल भी तोड़कर नहीं दे पाए। अभी के अभी यहाँ से भाग जा, वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रखा है और तुझे तोहफे की पड़ी है, जब देखो चिक 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 करती रहती है, चल भाग यहाँ से। ये कैसे हो सकता है, वह भूखा गोपी तो लोगों से उधार मांगता फिरता है, भला उसके पास इतनी कीमती अंगूठी खरीदने के पैसे कहाँ से आए? जरूर दाल में कुछ काला है। फिर वह भागता भागता गोपी के घर पहुंच जाता है।
गोपी कहाँ है, जल्दी बाहर निकल। ए चोर, कहाँ छुप कर बैठा है, जल्दी बाहर निकल। अरे अरे, ये चोर चोर क्या लगा रखा है? सही तो कह रहा हूँ, जल्दी उस गोपी चोर को बाहर भेजो। और जो तुम ये अंगूठी पहनकर पूरे गांव में घूम रही हो ना, ये वही अंगूठी है जो तुम्हारे पति ने उस कंकाल के हाथ से चुराई है। अरे भाई, क्या हो गया, ये सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? देखिए ना, ये कंबखत राजू बोल रहा है, आपने ये अंगूठी किसी कंकाल के हाथ से चुराई है। अरे नहीं नहीं, ये तो मैं शहर से खरीद कर लाया हूँ। राजू, तेरी इतनी हिम्मत, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाता है। मैं अच्छे से जानता हूँ, जब से मैंने अपनी पत्नी को कीमती तोहफा दिया है, तब से तुम सब गांव वाले जले भुने बैठे हो, इसीलिए अनाप शनाप बातें किए जा रहे हो। ए राजू, चुपचाप यहाँ से जाएगा या धक्के मार कर तुझे यहाँ से निकालूं। फिर राजू परेशान होकर वापस अपने घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी वहाँ आ जाती है और उसे परेशान देखकर उससे परेशानी का कारण पूछती है। फिर राजू उसे पूरी बात बताता है। अरे दैया, अरे दैया, हम ये किस मुसीबत में फंस गए? अजी, आप अभी के अभी उस सीमा से अंगूठी लेकर उस भूत को वापस कर आओ, नहीं तो रात होते ही वह भूत यहाँ आ जाएगा। अरे भगवान, मैं गोपी के घर गया था, लेकिन उन्होंने मुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। अजी, मुझे लगता है वह इतनी आसानी से अंगूठी नहीं देने वाली, मेरे पास इसकी एक तरकीब है। फिर रात होते ही राजू और अनीता गोपी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। भगवान, वह देखो, ये वही अंगूठी है जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं। अजी, लेकिन हम इसकी अंगूठी उतारे कैसे? अगर हमने कोशिश भी की तो ये उठ जाएगी। तुम सही कहती हो, हम इसकी अंगूठी निकाल नहीं सकते। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम इसे ही उठाकर उस कुएं के पास रख आए, जहाँ वह भूत रहता है, वह अपने आप इससे निपट लेगा। फिर वह दोनों धीरे से उसकी चारपाई को उठा लेते हैं और धीरे धीरे जंगल की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में वह उस खंडहर के पास पहुंच जाते हैं। फिर वहां पहुंचकर वह उस चारपाई को कुएं के पास रख देते हैं। अरे कंकाल जी, आप कहाँ हो? देखो, मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ, आप खुद ही बाहर आकर अपनी अमानत वापस ले लो। चलो प्रीतम, हमारा काम तो हो गया, अब यहाँ से जल्दी से निकल लेते हैं। फिर वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। अरे वाह, मैंने तो सिर्फ अपनी अंगूठी मांगी थी, वह गांव वाला तो मेरे लिए एक और तोहफा ले आया। हे भगवान, ये सीमा कहाँ चली गई? उसकी तो चारपाई भी गायब है। कंबखत मेरी पत्नी को चारपाई के साथ ही उठा कर ले गया। अरे प्रीतम, प्रीतम तुम कहाँ चली गई? तभी गोपी सीमा की तलाश करने लगता है। अरे भाई, तुमने मेरी पत्नी को कहीं देखा है क्या? हाँ भाई, अभी अभी वो राजू और उसकी पत्नी तुम्हारी पत्नी को चारपाई पर लेटा कर कहीं ले जा रहे थे। मुझे लगा शायद तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब होगी। हे भगवान, कहीं वह दोनों उस खंडहर की तरफ तो नहीं गए? फिर वह भी भागता भागता उस कुएं के पास पहुंच जाता है और वह और वहां पहुंचकर हैरान रह जाता है। अरे नाथ मिटो, मेरी पत्नी को उस भूत के हवाले क्यों कराए? अरे मर गई रे, ये मैं कहाँ आ गई? कहीं ये कोई सपना तो नहीं है? नहीं मेरी रानी, ये कोई सपना नहीं है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, तभी तो तुमने मेरी दी हुई अंगूठी पहनी है। चलो अब कुएं में चलते हैं, अब से वही तुम्हारा नया घर है। फिर वह कंकाल सीमा को अपने कंधों पर उठा लेता है और उसे कुएं में ले जाता है।
हेलो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।